अस्सलामुअलैकुम किचन विद वेजिटेबल में खुश आमदीद। मेरा चैनल किचन विद वेजिटेबल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि बैगन को किस तरह से लगाते हैं और ये बेस्ट टाइम है इसको लगाने का। इसकी सीडिंग अभी से करें ताकि ये आपको अच्छा अच्छा रिजल्ट दे और फ्रेश आप जो ऑर्गेनिक बैंगन है, ये गोल बैंगन है, ये आप खाएँ, ठीक है। तो मैं उसको आपको लगाने का तरीका बता देता हूँ, सिंपली है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये बास्केट है, इसमें मैंने ये फिल कर लिया है, जो मिट्टी है और गाय का गोबर और ये रेत इसमें ऑलरेडी शामिल है, ठीक है। ये आपने बोल में रख लेना है, तो इसके नीचे ये बोल के नीचे आपने सॉक करने है, मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है, उस तरह से आपने इसमें होल कर लेने हैं ताकि जो पानी है वो इसमें जमा ना हो। अगर पानी जमा हो गया तो आपकी जो रूट्स हैं वो गल जाएंगी और जिससे जो आपका पौधा है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बैंगन को लगाने का इजी तरीका है, ये मेरे हाथ में इसके सीड्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इन सीड्स को आपने इसमें लगाना है, इस तरह से मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सारे इसमें लगा दिए। अब इस आपने देख रहे होंगे कि मैंने इतने ज़्यादा सीड्स में लगा दिए हैं, ये लगाने का ये मकसद है कि जितने भी हमारे जर्मिनेशन हो जाएंगे वो गुड हैं, ठीक है। जो मतलब कई दफ़ा होता है कि आप लगाते हैं तो कोई दो चार सीड लगाते हैं वो होते ही नहीं है, तो मैंने ज़्यादा सीड लगाए हैं, जितनी मुझे ज़रूरत होगी आप मैं इसमें रहने दूंगा, बाकी मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो आपने ये लगा के इसके ऊपर ऐसे कर देना, ये ऐसे, ये कर देना आपने ऐसे इस पर, ठीक है। ये सारा ये हैं वो गोल बैंगन के जो सीड्स हैं, ठीक है। आपने ये लेना है, इसमें आपने एक जो चीज़ है कोकोनट का जो पाउडर है वो लाजमी इसके ऊपर करना है, इसमें मिक्स भी कर लेना और ऊपर भी लगा देना ताकि ये खाद है अच्छी तरह से जो है ना वो आपको जर्मिनेशन होके रिजल्ट देंगे। ये इस तरह से लगा के ये देख, ये सारे हो गए, इस तरह से आपने लगा देना, इसमें ज़्यादा नहीं है, और ऊपर से ये आपने पानी दे देना, ठीक है। पानी आपने शावर की मदद से देना ताकि आपके जो सीड्स हैं वो अपनी जगह पे बरकरार रहें। और ये जो कोकोनट का सीड, ये जो पाउडर है, इसको डालने का ये भी फ़ायदा है कि आपके सीड अपनी जगह पे कायम रहती हैं, वो वहाँ से रिमूव नहीं होते, तो इसका एक ये भी बेनिफिट है। ये आपने लगा दिए, अब आपने इसको धूप में रख देना है, तो इंशाल्लाह जो ही ये ग्रोथ करेंगे तो मैं दोबारा वीडियो बना के आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से इन्होंने ग्रोथ की है। थैंक यू सो मच।